हेलो एंड वेलकम टू द क्वालिफाइड विद हम। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। वैसे आप लोगों को पता होगा कि आप लोग के मन में एक क्वेश्चन जरूर चल रहे होंगे कि इस बार ग्रुप डी की कट ऑफ कितने जाएंगे, क्योंकि 2018 के अकॉर्डिंग तो फॉर्म थोड़े से कम भरे गए और वैकेंसी भी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो उसके अकॉर्डिंग हम कंपेयर करके देखो तो इस बार की जो ग्रुप डी की कट ऑफ वो पिछले 10 साल के अकॉर्डिंग थोड़ी सी कम रहने वाली है, और ये कह सकते हैं कि 2 से 4 नंबर कम ही रहेंगे। और इसको बोलने का एक मकसद भी है, क्योंकि मैंने पिछली बार के जो ग्रुप डी थे उसको क्लियर किए थे और 17.79 मार्क्स आउट ऑफ 100 सिक्योर किए थे। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं ये कह सकता हूँ कि इस बार के जो ग्रुप डी के कट ऑफ है पिछले बार से थोड़ी सी लो रहने वाले हैं। और ग्रुप डी के डिटेल्स वीडियो जैसे कि कट ऑफ को लेकर कि क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करेंगे कि इस बार कट ऑफ थोड़ी कम रहेगी, उसकी सारी डिटेल्स में वीडियो में नेक्स्ट जो अगली वीडियो मेरी आएगी उसमें रहेंगी। तो फॉर फर्दर अपडेट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये छोटा सा वीडियो था एज ए डेमो वीडियो कि आप ये देख लें अगर आपके मार्क्स 65 से लेकर 70 के बीच में आ रहे हैं तो आप अपने आप को पूरा सिक्योर मान सकते हैं, ठीक है। और जस्ट आप पढ़ाई तब तक करते रहें और कोशिश करें कि मार्क्स आपके और भी ज़्यादा इंक्रीज हो। और अभी के लिए आप 65 से 70 मार्क्स के बीच में अगर आप आ रहे हैं मार्क्स में तो आप अपने आप को सिक्योर मान करें, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।